नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित तीनों चीजों का अध्ययन करवाया जाएगा, चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे काव्य शास्त्र हो। तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एक बहुत ही सुंदर कहानी, किसके द्वारा रचित, यशपाल द्वारा रचित। जो कहानी पिछली क्लास में अपनों ने शुरू की थी, जो बहुत ही रुचिकर कहानी है, तो यशपाल की कहानी को ही आज की क्लास में अपन आगे बढ़ाएंगे। कहानी का शीर्षक क्या था? खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी नामक कहानी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। ये जो कहानी है, इसमें कल की क्लास में अपनों ने देखा कि दो मित्र हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। किससे संबंधित कर रहे हैं? सर्दी की ऋतु है, और वैसे तो देखें तो शिमला में तो सर्दी हमेशा ही रहती है। तो ये दोनों शिमला में हैं, दोनों के दोनों मित्र शिमला में बैठे हुए हैं। ये जो तरुण है, जो पिछली क्लास में मैंने तरुण बताया था, ये पूर्ण है, ठीक है। तो पूर्ण और भार्गव दोनों मित्र हैं। तो जो पूर्ण है वो दिल्ली के आसपास इलाकों में रहता है, और हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। कभी पहाड़ पर की चोटी पर चढ़ा नहीं था, स्नोफॉल यानी बर्फ गिरते हुए देखा नहीं था। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के लिए या इसी उम्मीद से और वो शिमला चला गया। शिमला कहाँ चला गया? शिमला अपने मित्र के पास वह रुका हुआ है। मित्र का क्या नाम है? भार्गव है। ये अपनों ने पिछली क्लास में देख लिया था। अब पूरण और भार्गव दोनों वहां पर है। पूरण गया स्नोफॉल देखने था, परंतु जो सर्दी है वो हड्डियों को ऐसे जकड़ लेती है कि हाथ तक बाहर निकालने का मन नहीं होता। तो मित्र भार्गव ने पूरण का कमरा हीटर से ठंडा करने की बजाय, बिजली के हीटर से ठंडा करने की बजाय, दीवार में लगी जो सिगड़ी, दीवार में एक सिगड़ी होती है, भट्टी टाइप होती है, तो उसमें उन्होंने, उसने अलाव जला दिया, आग जला दी, और उसमें बड़े बड़े लकड़ी के डंडे या कंधे डालकर और फिर आग लगाई गई। और दोनों के दोनों मित्र सोफे को खिसकाकर और उसके पास बैठ गए, अपने आप को सेंकने लगे, अपने आप को गर्मी देने लगे। अब यहां पर दोनों मित्र बैठे हैं, पूर्ण बार बार कितनी सर्दी है इस प्रकार से बातें कहता है। भार्गव यूं कहता है, ये भी कोई सर्दी है भला? भार्गव के लिए जो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग शोध कार्य करने में लगा रहता है, तो उसके लिए ये जो 6,000-7,000 फीट की ऊंचाई की जो ठंड है, जो सर्दी है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती भार्गव के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो 6,000-7,000 फीट की ऊंचाई है। अब 12,000 मतलब इससे दुगुनी सर्दी में रहने वाले को आधी सर्दी तो कुछ भी नहीं लगती। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि ज्येष्ठ माह की गर्मी है, ज्येष्ठ में जितनी ज्यादा गर्मी होती है अपने यहाँ पर राजस्थान में, उसकी अक्टूबर नवंबर आ जाए तो उस समय हमें लगेगा ही नहीं कि गर्मी है। क्यों? क्योंकि अपनों ने जो अक्टूबर नवंबर में गर्मी होती है, उससे अपनों ने दुगुनी गर्मी अब झेल ली है, तो वो गर्मी अपने को कुछ भी नहीं लगेगी। और मान लीजिए कि कोई ठंडे प्रदेश का व्यक्ति अक्टूबर नवंबर में आ जाए, तो उसको वो गर्मी भी असहनीय लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो ठंडी तो झेली है, परंतु गर्मी उसने झेली नहीं, तो उसके लिए वो भी असहनीय हो जाएगी। तो उसी प्रकार से पूरण जो गया था गर्म प्रदेश से शिमला में गया था, तो उसके लिए तो वो बर्फबारी की जो ठंड है वो सहनी नहीं हो रही थी, और भार्गव को वो सर्दी कुछ भी नहीं लग रही थी। तो भार्गव ने बिल्कुल हल्के में कहा कि भला ये भी कोई ठंड है। तब पूरण के मस्तिष्क में एक विचार आया, उसने भार्गव की जो ये शोध कार्य की घटनाएं हैं उनके संबंध में जानना चाहा, और इसके लिए उसने भार्गव को उकसाना भी शुरू किया। भार्गव को उकसा रहा है ताकि वो अपनी वो शोध कार्य की बातें कहे, ताकि बातों में मन लगा रहे और अपने को ठंड भी महसूस नहीं हो। स-
साथ साथ जो कहानियां किससे कहानियां होते हैं वो बड़े रुचिकर होते हैं, तो टाइम भी निकल जाता है। तो इसलिए पूरण ने बार बार, ओह बहुत ठंडा है, कड़ाके की सर्दी है, बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा, इस प्रकार से बोला। तो भार्गव वहां पर समझ चुका था, मित्र है ना, और वैसे भी मनुष्य है वो एक दूसरे के भाव समझ ही जाता है। आप कभी भी उदास मन से बाहर निकलिए, आपका मित्र पूछ लेगा क्या बात है, सब ठीक तो है, आज उदास कैसा लग रहा है। बिना कुछ कहे ही हमें पहचान लेते हैं, मनुष्य पहचान ही लेते हैं, और मित्रों की तो बात ही अलग है। जो हमारे साथ रहते हैं तो वो तो पहचान ही लेते हैं, भी आज क्या बात है, कोई समस्या है क्या, ऐसे कैसे लग रहा है। तो उसी प्रकार से ये दोनों मित्र हैं, तो मित्र ने बात पहचान ली कि भाई हाँ पूरण है, वो जानना चाहता है। तो भार्गव ने भी इस बात को समझकर और कहना शुरू किया। कहना क्या शुरू किया कि भाई ठंड तो पड़ती है, इससे दुगनी ऊंचाई पर जाने के बाद, यानी लगभग 12,000 फीट या 13-14,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, तब जो बर्फबारी होती है उसके सामने ये कुछ भी नहीं होती। जैसे ही भार्गव ने ये बात कही कि भयंकर ठंड, चारों तरफ एक चांदी की चादर बिछी हुई, सफेद रंग की सफ्तिक चादर बिछी हुई, और उस पर भी ऊपर से फिर से बर्फबारी, तब पता चलता है कि भाई बर्फ होती क्या है या सर्दी होती क्या है। तो फिर पूरण जल्दी से उत्सुकता से कहता है, तूने कभी महसूस किया ऐसा? तो भार्गव थोड़ा सा मुस्कुराता है और यूं कहता है कि हाँ मैंने ऐसा महसूस किया है, क्योंकि मुझे अक्सर है वो ऐसी जगहों पर, यानी इतनी ऊंचाई पर जाकर शोध कार्य करना होता है। तो पूरण कहता है, तो बताओ ना तुमने कब ऐसा महसूस किया, तुम्हारे साथ कब ऐसा हुआ। तो फिर भार्गव एक घटना को याद करता है, और एक घटना को याद करता हुआ और पूरण से कहता है कि देखो, ऐसा भी होता है कि कभी कभार मौसम विभाग के सारे अनुमान फेल हो जाते हैं, और हम ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं कि यूं लगता है कि पता नहीं जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। पूरण और अधिक उत्साहित होकर सुन रहा है। फिर ये कहता है कि लाहौल घाटी की वो घटना तो तुमने सुनी होगी, जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। तो पूरण कहता है कि कौन सी घटना, क्या हुआ था? तो ये कहता है कि उस समय समाचार पत्रों में भी ये घटना प्रकाशित हुई थी, और यूं था कि ये एक भयंकर दुर्घटना थी, यानी लाहौल घाटी में अकस्मात बर्फबारी हुई, जिसके कारण बहुत से लोग जो घाटी पर शोध के लिए गए हुए थे, वो बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसलिए उसी घटना का जिक्र करते हुए और भार्गव कहता है क्यों, क्योंकि भार्गव भी उस समय उसी दल में था। तो वो कहता है कि भाई लाहौल घाटी में यदि अपन जाते हैं, तो ये साथ साथ यूं भी कहते हैं कि देखिए 6,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो एक जगह है, वहां पर मौसम विभाग ऊपर की तरफ जैसा वातावरण रहता है उसको देखकर और अपने अनुमान भेजता है, और उस आधार पर वह मौसम की जानकारी देता है कि भाई बरसात होगी या नहीं होगी, क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो मौसम विभाग है वो लगभग 6,000 फीट पर और अपने अनुमान दे देता है। उस समय मौसम विभाग की जानकारी ये आई कि भाई 4-5 दिनों तक कोई भी बर्फबारी नहीं होगी, कोई भी बरसात नहीं होगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई मौसम विभाग ने ये कहा है कि बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, तो क्यों ना हमें शोध कार्य के लिए ऊपर जाना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक जगह पर जाना था शोध के लिए, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई खनिज मिलने की संभावना थी, और वहां पर अपन हमें एक यंत्र यानी एक खोज की मशीन भी लेकर जाना था। हमें यहां पर जाना था, परंतु इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें उस तक पहुंचने के लिए अनेक उतार चढ़ाव पार करने थे,
कैसे पार करने थे, कौन से उतार चढ़ाव पार करने थे। तो यहाँ पर जो भार्गव है वो पूरी स्थिति का वर्णन करता है। भार्गव यूं कहता है कि देखिए हमें पहुंचना है यहां, ये कितनी ऊंचाई है, 12,000 फीट की ऊंचाई। अब हमें यहां पहुंचकर और यहां खुदाई करनी है, यहां शोध कार्य करना है। अब इससे पहले जो है वो इतनी ऊंचाई जो कितनी हजार फीट पर है, 14,000, इस धार को हमें पार करना है, यानी इस धार से और हमें ऐसे होकर इससे गुजरना है। और इससे पहले है वो एक 13,000 फीट की ऊंचाई पर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी एक समतल मैदान है, समतल मैदान है। और इस समतल मैदान से हमें एक संकरी संकरी दर्रा को, दर्रा का मतलब होता है एक दरार से लिया जाता है, एक संकरी दर्रा है, उसको पार करते हुए हमें जाना है। तो यहां पर देखिए दर्रा अगर यहां पर हो तो उसमें जो है वो दुर्घटना की स्थिति तो ज्यादा रहती है, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर से बर्फ गिर जाए, परंतु साथ साथ यहां से चलना आसान होता है क्योंकि बर्फ पे पैर फिसलते हैं, तो यहां पर दर्रा में फिसलन नहीं होती, इसलिए यहां से और ऊंचाई पर आसानी से जाया जा सकता है। तो भार्गव यूं कहता है कि हमें ये जाना था। तो हमने अब ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर, और हम थे कहां, 6,000 फीट की ऊंचाई, 6,000 फीट समुन्द्र तल से ऊंचाई पर, तो सामान्यतः वहां का मैदान ही रहता है, जहां पर तो लोग ही रहते हैं। अब यहां से हमें और जाना था, यहां से हमें और ऐसे होते हुए और ऐसे यहां इस जगह पर पहुंचना था। हमने तैयारी की और हमारे ग्रुप के जो मुखिया थे उन्होंने मौसम विभाग की जानकारी ले ली थी, तो इसलिए यूं सोचा कि अपन सुबह जल्दी ही निकलेंगे। तो जल्दी निकलने के लिए जब अंधेरा था उसी समय मुखिया ने क्या किया कि खच्चरों पर सामान लदा दिया, जो खच्चर थे उन पर सामान लद दिया गया, और लगभग 10 खच्चर पर सामान लद दिया गया। और ये तय हुआ कि भाई खच्चरों के लिए जो दाना पानी ले जाना है वो भी ले जाना होगा, परंतु हम सुबह जल्दी निकलने वाले थे और गांव के मुखिया द्वारा खच्चरों के लिए दाना पानी भेजना था, परंतु वो थोड़ा सा देरी से भेजने वाला था। अब ये देरी से भेजने वाला था तो तय ये हुआ कि भाई 10 खच्चरों के साथ हम अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ जाए, और वैसे भी जब मैदान समतल होते हैं ना तो वहां पर पौष्टिक घास भी मिल जाती है। ये बात किसने कही है, ये बात यहाँ के मैदान के लोगों ने, यहाँ पर यहाँ के मैदान के लोगों ने यूं कहा कि भाई ऊंचाई पर समतल जगह पर बर्फबारी, यदि बर्फ की चादर बहुत बड़ी नहीं हो तो खच्चरों के लिए पौष्टिक घास मिल जाती है, तो ज्यादा इनके लिए दाना पानी ले जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वैसे भी मौसम साफ है तो ये लोग वहां पर घास को खाकर और अपना जीवन या अपना पेट भरेंगे, तो इसलिए इनके लिए तो दाना नहीं लेकर जाया जाए। और फिर भी जो दाना पानी आने वाला है उसको लाने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, ताकि मान लीजिए कि वहां पर नहीं मिले या फिर अपन आगे पीछे जाए तो वहां पे नहीं हो, समतल मैदान में तो मिल जाए, आगे पीछे नहीं मिले, तो दाना पानी इनके लिए भी चाहिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, निश्चित किया कि भी 10 खच्चरों के साथ आधी बटालियन, तो आधे लोग तो चलेंगे और कुछ रह जाएंगे जो खच्चरों पर खच्चरों के लिए दाना पानी लेकर बाद में आएंगे, ये निश्चित हुआ। और उसको एक कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया गया और हमारी बटालियन ऊपर चढ़ने लगी। हम लोग जैसे ही इस समतल मैदान की तरफ आए, मौसम बिल्कुल साफ था, परंतु जैसे ही समतल मैदान पर आए तो उत्तर पश्चिम से बादल घिरने लगे, और बादल इस
तेज गति से घिर आए, इतनी जल्दी से घिर आए कि हमें इतना सा मौका मिला कि हम बस तंबू गाड़ सकें, तंबू लगा सकें, और वो भी तब जब हम सब लोगों ने मिलकर लगाई। यदि एक दो लोग लगते तो वहां पर तंबू लगाना भी संभव नहीं था। तो हम सब ने मिलकर जल्दी जल्दी से तंबू गाड़कर और वहां पर बैठने का निश्चय किया। उसी समय भयंकर ओले बारी शुरू हो गई। ओले जानते हो ना, बर्फ के बड़े बड़े गोले, और हमारे मैदानों में भी इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले ऊपर से आते हैं, तो वहां पर तो कितने ही बड़े गोले आए होंगे। क्या स्थिति बनती है आगे? संभावना थी कि मौसम साफ रहेगा, परंतु मौसम एकदम से परिवर्तित हो गया। क्या होगा आगे? ये लोग ऊपर जा चुके हैं, खच्चरों के लिए दाना पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? किस प्रकार से घटनाएं होगी? प्रकृति किस रूप में बदलेगी? किस प्रकार से ये लोग अपने आप को संभालेंगे? देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।